फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मुकेश राजपूत ने विधायक गणों के साथ कराया नामांकन। फर्रुखाबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद मुकेश राजपूत ने चारों विधायक गणों एवं अपने समर्थकों के साथ एवं तीन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद मुकेश राजपूत ने विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, डॉक्टर सुरभि नागेंद्र सिंह राठौर, सुशील शाक्य समर्थकों प्रस्तावकों के साथ फतेहगढ़ कलेक्टरेट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर वीके सिंह के समक्ष अपना नामांकन पत्र चार सेटों में दाखिल किया। इसी क्रम में फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले श्यामवीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी जोना पोस्ट रसीद मई फर्रुखाबाद भारतीय नागरिक पार्टी तथा दिनेश पुत्र जीवालाल निवासी उमरपुर खलवारा नवाबगंज फर्रुखाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने 10-10 प्रस्तावकों के साथ अपने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आज दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद सांसद मुकेश राजपूत ने मीडिया को बताया कि अपने कार्यकाल में विकास कार्य किया एवं जीतने के बाद अन्य विकास कार्य कराएंगे। घोषणा भी की है कि जो अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 में समाप्त हो जाता है, उसे बढ़ाते हुए फर्रुखाबाद होते हुए नीम करोरी और हमारे संकसा के मध्य से होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए और गंगा एक्सप्रेस वे में मिलाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा भी की है और हमारा भी ये संकल्प है कि हम इसे बनाएं जिससे फर्रुखाबाद जनपद का चहुंमुखी विकास हो सके और चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चले, फर्रुखाबाद होते हुए हरिद्वार गंगा से जाके मिले और गंगा हरिद्वार से गंगा से लोग चले तो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा से मिले। इससे हमारे यहाँ के किसानों का भी कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। आप भी किसान प्रवृत्ति से आते हैं और आगे जो स्थितियाँ हैं किसानों की, जो जमीनें अधिग्रहण हो रही हैं, जो जमीन खत्म हो रही हैं, उनको लेकर क्या सरकार जमीन का जो रेट है सरके रेट है उससे चार गुना ज्यादा पैसा देती है। अपने किसी भी किसान को कोई परेशान नहीं होने देते हैं, ये ऐसी मंशा है सरकार की, सरकार निष्पक्ष रूप से उसको काम करती है। और कुछ सर नया देखने को मिलेगा पाँच सालों में? पाँच साल में कई चीजें हैं, हमने संकल्प आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है नया सर? आपके मैनिफेस्टो में क्या अपना जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होते हुए और वो सीधे हमारे गंगा एक्सप्रेस वे से मिलेगा। दूसरा मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद में मथुरा से गाड़ी चले एक्सप्रेस वे, मथुरा से गाड़ी चले फर्रुखाबाद होते हुए सीधी अयोध्या, मथुरा से सीधी अयोध्या तक, अवध बिहारी से बांके बिहारी तक सीधी एक एक्सप्रेस वे ट्रेन भी मैं चाहता हूँ। दूसरा यहाँ से दिल्ली के लिए भी एक ट्रेन चाहता हूँ। फर्रुखाबाद जनपद के लिए जो मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना चाहता हूँ। फर्रुखाबाद में हम लोगों ने जिस पर प्रयास किया है कि हम चाहते फर्रुखाबाद जनपद का नाम जो है बदल कर पंचाल नगर हो, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। फर्रुखाबाद को विकास प्राधिकरण